अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज शो। दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड एक अवेयरनेस एपिसोड है। इस एपिसोड में हम उन बातों के बारे में बात करेंगे, उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो हम अक्सर फेस करते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम इन प्रॉब्लम्स के लिए किसको कंसल्ट करें। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता। वेलकम टू द शो डॉक्टर गुप्ता। थैंक यू मैम। और साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं सीनियर कंसल्टेंट पैथोलॉजी डॉक्टर छाया गुप्ता। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू डॉक्टर मीनू, इट्स प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू। तो डॉक्टर गुप्ता, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को कुछ उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं जो सबसे ज़्यादा आजकल लोग फेस कर रहे हैं। तो आपके पास किन प्रॉब्लम्स को लेकर आजकल सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं? जब से कोविड ओवर हुआ तब से बहुत सारे पेशेंट्स मोस्टली बॉडी एक सर्वाइकल को लेके, लो बैक को लेके और नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेके काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं, और यंगस्टर्स तो मोस्टली बॉडी एक को लेके बहुत आते हैं कि कभी हाथ में दर्द है, कभी पैर में दर्द है, कभी कमर में दर्द है। तो मोस्टली ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ों में विटामिन्स कैल्शियम्स बहुत कम हो रहे हैं, जो पेशेंट्स को पता भी नहीं चलता, और बाद में सिम्टम्स आने के बाद ही पता लगता है कि उनको किस तरह से प्रॉब्लम्स हो रही है। जब वो हम डॉक्टर्स के पास जाके कंसल्ट करते हैं तब उनके टेस्ट किए जाते हैं, तब जाके पता लगता है कि इनको इन सारी चीज़ों की कितनी कमी हो रही है। डॉक्टर गुप्ता, अक्सर देखा जाता है जब भी हमारा विटामिन लेवल लो आता है तो लोग अक्सर बोलते हैं ये तो सबका ही कम आता है और दिस इज समथिंग नॉर्मल जस्ट बिकॉज एवरीबडी हैज़ लो विटामिन लेवल, मे बी इट इज विटामिन B12 और मे बी विटामिन डी। तो मैं चाहूंगी आप मेरे व्यूअर्स को बताएं कि ये कम होने से प्रॉब्लम तो होने ही वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है कि सबका कम है तो हमें नहीं, 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 बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे मिथ बन जाता है कि ये तो सबका कम होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली हमें जाके ये पता करना चाहिए कि हमारा किस लेवल तक कम है। जब तक हम टेस्ट नहीं कराएंगे हमें पता नहीं पड़ेगा कि हमारा कितना कम है। आजकल तो इतने कम कम होते हैं कि लेस देन 10 विटामिन्स आते हैं, किसी का लेस देन 50 विटामिन B12 आता है। तो लेट्स सी, ये देखा गया है कि पेशेंट्स अवेयर ही नहीं है अपने हेल्थ के प्रति। जब वो सिम्टम्स आ जाती बॉडी में तब जाके वो डॉक्टर्स को जाके कंसल्ट करते हैं। मेरे हिसाब से जैसे उन्हें लगता है कि जरा से भी हमें कोई प्रॉब्लम आ रही बॉडी में तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और हमें प्रॉपर टेस्ट कराना चाहिए, तभी जाके हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी किस लेवल पे विटामिन चल रहे हैं। एग्जाम्स ही नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा पढ़ाई। डेफिनेटली हमें जी डॉक्टर गुप्ता, एक चीज़ और भी देखी गई है, स्पेशली जैसे अभी आपने मेंशन करा कोविड का, तो कोविड के बाद एक नया कल्चर जो बहुत ज़्यादा हो गया है अब, दैट इज़ वर्क फ्रॉम होम। और टेक्नोलॉजी की वजह से जहाँ तक मैं समझती हूँ वी आर ऑलवेज ग्लूड विद द फ़ोन, लैपटॉप्स और ये सिस्टम्स के साथ ही हम ज़्यादातर काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल बॉडी पोस्चर है वो भी सीधा नहीं होता। यू डोंट फाइंड एनीबडी सिटिंग अपराइट लाइक दिस, नॉर्मली एवरीबडी इज लाइक दिस विद द फोन इन हैंड, और उसकी वजह से मैक्सिमम प्रॉब्लम सर्वाइकल और बैक एक्स की जो है। अब ये सीन तो रहने ही वाला है क्योंकि अब तो यही लाइफस्टाइल है और यही तरीका है काम करने का। तो मैं चाहूंगी कि स्पेशली बिकॉज यंगस्टर्स इसके साथ ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को समझाएं और बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए इसके लिए। बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये अपनी पोस्चर पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे चल के यंगस्टर्स अभी से इन समस्याओं से जूझते रहेंगे ना, तो ओल्ड एजेस में ये परेशानी और बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हमें अपने पोस्चर पर ध्यान देना। अगर हमें लगता है कि हमारे कुछ अरे मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, हमें सही प्लेस पर रखना चाहिए और हम पोस्चर से प्रॉपर पोस्चर में रख के ही उनसे यूज करना चाहिए। अगर हम बैड पोस्चर से उसको यूज करते रहेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम्स आगे बढ़नी है, कम नहीं होनी है। सो दैट्स मीन्स कि हमें पोस्चर का विशेष ध्यान रखना है, खासतौर से हमारे पोस्चर को लेके। कई बार ऐसा भी होता है कि सर्वाइकल पेंस बहुत कॉमन से हो गए, जो जनरली लोगों के पास में, अगर हम कभी सर्वाइकल पेंस को लेके किसी जनरल पब्लिक से बात करते हैं या कोई भी अपने रिलेटिव से बात करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि सर्वाइकल है, अच्छा कोई नहीं करना, प्लोम मत लगाना।
सो दैट्स मीन्स कि ये बड़ा मिथ है. बेसिकली हमें पोस्चर बिना जाने कि पिलो नहीं लगाना, ये हमें पता होना चाहिए कि हम किस पोस्चर में सोते हैं, किस पोस्चर में हम बैठे हुए हैं, किस. तो हमें अपनी पोस्चर को विशेष ध्यान देना चाहिए. जब हम सीधे लेटते हैं हमें पतला पिलो लगाना चाहिए, जब हम करवट लेके लेटते हैं तो हमें कम से कम इतना पिलो लगाना चाहिए कि गर्दन हमारी टेढ़ी ना हो. ओके ओके. सो दैट्स मीन्स कि हमें पोस्चर को विशेष ध्यान रखना चाहिए. जी जी जी. डॉक्टर छाया, मैं आपसे बात करना चाहूँगी. आपका जो स्पेशलाइजेशन है इट इज़ हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोपैथोलॉजी. तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को ये बताएं व्हाट इज़ हिस्टोपैथोलॉजी, व्हाट इज़ साइटोपैथोलॉजी. एक्चुअली अगर हम इस ब्रांच के बारे में बात करें पैथोलॉजी एज सच, तो पैथोलॉजी इज़ बेसिकली अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज़. तो इसमें कई ब्रांचेस होती हैं. जो ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज हिस्टोपैथोलॉजी साइटोपैथोलॉजी जो है, इट इज़ रिलेटेड टू टिश्यू एंड सेल्स. ओके. तो अगर हम बायोप्सी की बात करते हैं तो ये हिस्टोपैथोलॉजी है. जी. अगर मैं सेल की स्टडी की बात करती हूँ तो ये साइटोपैथोलॉजी है. ओके. अगर मैं एक सेल को देख रही हूँ अंडर द माइक्रोस्कोप वो साइटोपैथोलॉजी कहलाता है. अगर मैं सारे सेल्स को एक जोड़ करके एक टिश्यू बना दूँ उसकी स्टडी को देखें तो वो हिस्टोपैथोलॉजी कहलाता है. जी जी. तो मैम अक्सर हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे आपने अभी बात करी बायोप्सी की, तो जब भी किसी को कोई भी लंप होता है या छोटी छोटी कोई प्रॉब्लम्स होती है मे बी बट इट परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो डॉक्टर्स हमें टेस्ट के लिए एडवांस टेस्ट, यू कम इन द एडवांस टेस्ट कैटेगरी राइट. सो वहाँ पे हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं हमें बायोप्सी कराने के लिए या विच इज़ वेरी कॉमन FNAC. यस जी. तो FNAC जो एक प्रोसीजर है इट इज़ फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी. ये एक बहुत ही OPD बेस्ड टाइप का प्रोसीजर होता है एंड इट जस्ट टेक्स फ्यू सेकेंड्स. कोई भी बॉडी में पैल्पेबल लंप हो, कोई गांठ हो, कहीं पे भी हो, गर्दन में है, ब्रेस्ट में है, हैंड्स लेग्स कहीं पे भी है, एब्डोमेन कहीं पे भी है अगर, और वो पैल्पेबल है, फील कर सकते हैं हम उसको, तो उस ये प्रोसीजर उसके ऊपर किया जा सकता है एंड इट जस्ट टेक्स फ्यू सेकेंड्स फॉर द प्रोसीजर. बहुत ही मतलब आई वोंट से पेनलेस, बट यस जो पेन होता है वो बियरेबल होता है. इट इज़ जस्ट लाइक कि आप अपना एक सैम्पल, ब्लड सैम्पल जब आप निकलवाते हो और उसको टेस्ट के लिए देते हो तो उतना ही एक दर्द. That is just a needle prick pain. Yes, तो similar type of pain is there in FNAC also. Okay. Yes. तो मैम लेकिन normally जब भी ऐसा कोई टेस्ट हमें कराने के लिए कोई बोलता है तो we always try to postpone it. या हमें लगता है कि नहीं नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, या आई थिंक सबसे पहले तो हम डर जाते हैं बहुत ज़्यादा. तो इज इट नेसेसरी कि ऐसे टेस्ट जब हम कराते हैं या ऐसा हमें जब कोई डॉक्टर बोलता है तो इट हैज़ टू बी मैलिग्नेंट और इट हैज़ टू बी कैंसरस ओनली? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं होता. कई बार हमें जस्ट कोल्ड कॉफ भी होता है तो हम कितनी बार में देखते हैं कि हमें लिम्फ नोड्स हो जाते हैं गले में. जी. तो वो लिम्फ नोड ये सिर्फ एक प्रिकॉशनरी तरीके से उस लिम्फ नोड्स की FNAC भी हो जाती है. तो जब ऐसे केसेस जो होते हैं वो रिएक्टिव निकल आते हैं. इट्स जस्ट अ रिएक्टिव प्रोसेस जिसकी वजह से ये गांठें आ गई हैं. ऐसा नहीं है कि गांठ है तो वो मैलिग्नेंट ही होगा. वो इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, बेनाइन भी हो सकता है. तो ये किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है. पर उस एक छोटा सा ये जो एक मैंने प्रोसीजर आपको मेंशन किया जिसे मैं FNAC कहती हूँ, इस के थ्रू आपको क्लैरिटी आ जाती है कि हम किस तरह की चीज़ से डील कर रहे हैं. ओके. जी. तो आजकल ये एक छोटा प्रोसीजर है जो हम सिर्फ हम जिसे करते हैं, पर इसकी नई टेक्निक्स भी आ गई हैं जिसको EUS गाइडेड FNAC बोलते हैं, EBUS गाइडेड FNAC बोलते हैं, जो कि हम नहीं करते हैं, हमारे कलीग्स हैं जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं या पल्मोनरी मेडिसिन के लोग हैं वो करते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक एन अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर आपने उस FNAC नामक प्रोसीजर को किया एंड इट इज़ फ्रॉम ऐसे एरियाज जिसे हम बाहर से फील नहीं कर सकते. मे बी कोई लिवर में,
यस, कोई लिवर में गांठ है, कोई पैनक्रियाज में गांठ है, या कोई मीडियास्टाइनल एरिया में कोई गांठ है, तो इन एरियाज तक पहुंचने के लिए एक गाइडेंस की ज़रूरत है. वो गाइडेंस अल्ट्रासाउंड गाइडेंस होती है, और जो कि हमारे जो कलीग्स होते हैं डिफरेंट ब्रांचेस के, वो उस प्रोसीजर को करते हैं और हमारे पास में स्मियर्स और मटेरियल्स को भिजवाते हैं. ओके, सो फ्रॉम दैट आल्सो वी डायग्नोज कि ये क्या है, क्या ये टीबी है, क्या ये जस्ट एक इन्फ्लेमेशन है, क्या ये रिएक्टिव प्रोसेस है, या वी डोंट हैव टू वरी, कुछ बेनाइन चल रहा है. ओके ओके, या फिर ये मैलिग्नेंसी है. मैम, जैसा आपने बताया कि हमें डॉक्टर के पास जाकर, जैसे वो गाइड करते हैं हमें टेस्ट करवाना चाहिए और वरी नहीं करना चाहिए, बट देर आर केसेस, मैं डॉक्टर सुनील आपसे, डॉक्टर गुप्ता आपसे बात करना चाहूँगी. देर आर केसेस जैसे आपने अभी बताया सर्वाइकल का, तो जस्ट यूजिंग अ पिलो और मे बी यूजिंग इट द राइट वे इज वन थिंग, बट देर आर डेफिनेटली केसेस जहाँ पे द प्रॉब्लम इज एक्चुअली वरीसम, और जहाँ पेशेंट को अपना रिजिडनेस छोड़कर ही शुड एक्चुअली गो एंड सीक द डॉक्टर्स हेल्प. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं चाहूँगी, जब हम, जैसे हम अभी सर्वाइकल की बात कर रहे थे, तो मैं चाहूँगी आप सर्वाइकल के बारे में ही बताएं कि कब, when is the problem actually serious and when should the patient actually go and seek the doctor and not keep on trying home his own things. Yeah. बेसिकली जब हमें लगता है कि हमारा पेन पोस्चर मेंटेन करने के बाद में, कुछ हमें एक्सरसाइज करने के बाद में भी हमारा ठीक नहीं होता, हमें कंटिन्यूस पेन बना रहता, और पेन बढ़ने के साथ साथ में हमें रेडिकुलोपैथी भी मिलती है. जैसे कई बार होता है सर्वाइकल पेन हमारे दोनों कंधों की तरफ भी आ जाता है. Okay. ये इसको हम लोग रेडिकुलोपैथी बोलते हैं. ये हमें बेसिकली हमें अवेयर करती है कि समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है, कुछ कोई नर्व है जो कि वहाँ पे कंप्रेस हो रही है, या हमारा गर्दन के जो हड्डियों के वर्टिब्राज हैं उनके बीच में कोई डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, या हमारे कोई मसल्स स्पास्म हो रही है. सो तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, प्रॉपर ढंग से उनको दिखाना चाहिए, जिससे वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सके और उसका ट्रीटमेंट दे सके. पेन किलर इज अ वेरी गुड रेमेडी एंड आई थिंक शॉर्ट एंड स्वीट, फटाफट एक पेन किलर खाओ और काम पे चलो. बिल्कुल बिल्कुल. तो दिस हैज बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिस जो नॉर्मली लोग करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और डू यू थिंक दिस इज द राइट प्रैक्टिस? और अगर हम पेन किलर खा के ठीक हो जाते हैं तो फिर लोगों को लगता है डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या है? नहीं, बिल्कुल ये गलत प्रैक्टिस है. बेसिकली ऐसा नहीं करना चाहिए. पेन किलर से सिर्फ आप पेन को कुछ समय के लिए रोक सकते हो, आप अंदर की बीमारी को ठीक नहीं कर रहे हो. जो अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो तो एज इट इज ही हैं. पेन से सिर्फ आपने सिम्टम्स को कुछ समय के लिए सप्रेस कर दिया, जिससे कि बीमारी को बढ़ने के लिए और टाइम मिल गया. दैट्स मीन्स कि सबसे पहले आपको इस तरह से लगता है आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर्स के कि वो किस कारण से हो रहा है. जैसे कई बार होता है फीवर होता है, फीवर सिर्फ क्रॉसिन से आप सिर्फ फीवर को कम कर सकते हैं, लेकिन आप किसी, जैसे डेंगू हुआ, मलेरिया हो, चिकन, जब तक आप इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लोगे आपका ये ठीक नहीं होगा. तो दैट्स मीन्स कि हमें सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करना है. हमें सिम्टम्स को, अगर सिम्टम्स आते हैं तो हम कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए. यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी, खासकर यंगस्टर्स को, जब भी आपको कोई भी इस टाइप का पेन है, सर्वाइकल टाइप में भी, गले में, बैक में, गर्दन में, प्लीज़ पेन किलर्स ना खाएं. इट इज़ ओनली गोइंग टू गिव मोर टाइम टू द प्रॉब्लम टू एग्रवेट. जैसे डॉक्टर ने बताया, आप गो फॉर अ गुड गाइडेंस, गो टू एन एक्सपर्ट, टेक द राइट ट्रीटमेंट, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. अगर आप डॉक्टर गुप्ता से मिलना चाहते हैं, इनसे कंसल्ट करना चाहते हैं, इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. डॉक्टर छाया, अभी आपने जिक्र किया था स्क्रीनिंग का, और अक्सर सुनने में आता है अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी कैंसर हुआ है तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि हम 3 साल में एक बार स्क्रीनिंग कराएँ, तो वो टेस्ट भी आप करते हैं, और मैं चाहूँगी उसके बारे में आप मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सा क्लियर करें, क्योंकि इसके बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों को और अक्सर लोग स्क्रीनिंग से डरते भी हैं. देखिए, अगर हम देखें कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कैंसर कौन सा कॉमन है, तो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ऊपर आता है. तो और भी आगे आते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर्स आते हैं, लंग कैंसर्स आते हैं, सर्वाइकल कैंसर्स आते हैं, पर दो एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे स्क्रीनिंग के थ्रू आप उनको जल्दी से जल्दी पकड़ सकते हो. जी,
अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर्स के बारे में, तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो है अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ द पर्सन. वो लेडी खुद जो है, जो है उनको अपना सेल्फ एग्जामिनेशन जो होता है, दैट इज़ फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हमें अवेयर होना चाहिए. वी शुड ऑलवेज पैल्पेट आर सेल्स. हमें खुद अपने आप को देखते रहना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं डेवलप हो रही, कोई गांठ तो नहीं है, कोई डिम्पलिंग तो नहीं है स्किन के ऊपर, कोई रेडनेस तो नहीं है स्किन के ऊपर, कोई रिट्रैक्शन तो नहीं है निप्पल एंड एरियोलर एरिया का. तो ये कुछ साइंस होते हैं जो कि हमें देखने के लिए मिलते हैं. तो इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस सबसे पहली चीज़ है. तो दिस इज सेल्फ एग्जामिनेशन जी, सबसे पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कुछ इस तरह की चीज़, कोई लंप या कुछ चीज़ भी पता चलता है, तो यू शुड गो एंड सी योर डॉक्टर फर्स्ट. एक मैमोग्राफी होती है, मैमोग्राफी भी एज अ पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसीजर यूज़ किया जाता है. इसके लिए जैसे ही आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, वो लंप को देखते हैं, वो मैमोग्राफी की एक ग्रेडिंग होती है, उन दोनों को देख करके आप एक अंदाज़ा लगाते हो कि ये क्या चीज़ हो सकता है. उसके बाद में फिर हमारा वही स्पेशल प्रोसीजर कह लीजिए या बेसिक प्रोसीजर कह लीजिए, एफिनीसी कम्स इनटू पिक्चर. ओके, तो आप उसकी फिर एफिनीसी की जाती है और उसके थ्रू आप आगे बढ़ते हैं जी. एक और एरिया है, सर्वाइकल स्क्रीनिंग की बात करूँगी मैं. सर्वाइकल कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग होती है पैप स्मियर्स के थ्रू. ओके, जो कि हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो इस सैंपल को कलेक्ट करते हैं और उसको लैब में टेस्टिंग के लिए भिजवाते हैं. तो एक रिकमेंडेशन होती है कि ये एवरी 3 ईयर्स पे पैप स्मियर की टेस्टिंग करवानी चाहिए. और अगर इसको HPV टेस्टिंग के साथ में अगर जोड़ दिया जाए तो वो स्क्रीनिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, 5 ईयर्स पे करवाना चाहिए. ओके, अगर ये कंबाइन मोडालिटी की तरह यूज़ करते हैं तो. इज दिस टेस्ट पेनफुल? नो, इट इज़ नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर. एक छोटा सा ब्रश होता है, जिस ब्रश के थ्रू गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं सैंपल कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिजायर्ड एरिया और उस सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है. ओके, सेम सैंपल कैन बी यूज्ड फॉर डूइंग पैप स्मियर एज वेल एज फॉर HPV टेस्टिंग. ऑलराइट, ऑलराइट. तो एक ही सैंपल से दोनों चीज़ें हो जाती हैं. ओके, और इसके थ्रू ये होता है कि हम जो पैप स्मियर्स होते हैं वो सर्वाइकल कैंसर्स को प्रिकर्सर लीजन यानी कि एकदम अर्ली स्टेज में पकड़ने का काम करते हैं. ओके, अगर है किसी को, अगर प्रिकर्सर लीजन है किसी को, तो वो सेल्स जो हैं वो दिख जाते हैं पैप स्मियर्स में और इसके थ्रू हम पेशेंट को फॉलो कर सकते हैं, उसका फर्दर बायोप्सी ले सकते हैं कि इस और आगे आगे जो भी आगे रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ किया जा सकता है. ओके, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा. मैम से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं डॉक्टर छाया गुप्ता से, कुछ भी आपकी क्वेरी है आप इनसे बात कर सकते हैं. इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं. और एक और चीज़ मैं व्यूअर्स को कहना चाहूँगी खास, जब भी कोई टेस्ट करवाने हो प्लीज़ ना घबराएं. अभी मैम ने बताया ये टेस्ट बहुत सिंपल हैं, पेनलेस हैं और बहुत ईजी हैं. और अगर ये हम टाइम से कराते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं जो हमारे ही लिए आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमें. डॉक्टर गुप्ता, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल जॉइंट पेन की जो मैंने देखी है, नी प्रॉब्लम्स, और आजकल ये बच्चों में भी होने लगी हैं. अर्लियर इट वाज जस्ट द ओल्ड एज, कि ओल्ड एज में जाकर नी जॉइंट वेयर एंड टेयर, नी रिप्लेसमेंट और ये सारी प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में लोगों को होती थी, आजकल ये यंगस्टर्स को भी होने लगी हैं. तो अब डेफिनेटली ओल्ड एज में तो जाकर उनको नी रिप्लेसमेंट और वो सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी, बट डेफिनेटली आई डोंट थिंक यंगस्टर्स विल गो फॉर दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. सो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर नी प्रॉब्लम्स?
बेसिकली जो भी आजकल नी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जैसे यंगस्टर्स में है ना, ये विटामिन कैल्शियम्स को लेके बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे बैलेंस डाइट ना होने के कारण हम सिर्फ प्रोटीन्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो जिमर्स बॉयज होते हैं हाँ बॉडी बिल्डिंग, सिर्फ हमें प्रोटीन्स प्रोटीन्स प्रोटीन्स, जो भी वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो भी प्रोटीन्स पे। तो मेरे हिसाब से हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, हमें प्रॉपर कैल्शियम भी लेना चाहिए, विटामिन्स भी लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी लेना चाहिए, हमें एक ही चीज़ को वो नहीं लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे कई बार होता है ज़्यादा प्रोटीन लेने से हमारे यूरिक एसिड भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से भी नी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कैल्शियम कम होने के कारण भी हो जाते हैं, कभी विटामिन के कम होने के कारण हो जाते हैं, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। और नी प्रॉब्लम्स ओल्ड एजेस में बहुत कॉमन हो गया है, ओल्ड एजेस में जैसे हम 60 होते हैं 50 क्रॉस करते हैं हमें नी प्रॉब्लम्स हो जाती है, उनकी हमें ग्रेडिंग पर डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। मोस्टली 90% केसेस में अगर हमने प्रॉपर ढंग से उसको लिया गया है, प्रॉपर एक्सरसाइज किए, प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए हैं, तो हम उन्हें कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हैं। जिनमें प्रॉब्लम्स एडवांस स्टेजेस में हो जाती है उनमें फिर हम सर्जिकल इंटरवेंशंस करते हैं, लाइक दैट के नी रिप्लेसमेंट। जी, तो डॉक्टर गुप्ता क्या सजेस्ट करेंगे आप यंगस्टर्स को जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं? और ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ देयर डाइट इज़ वन थिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या सजेस्ट करेंगे? और मैं यंगस्टर्स को बताना चाहूँगा, बेसिकली हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए और हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, और पोस्चर का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें बैड पोस्चर्स अवॉइड करना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, आपने अभी बात करी जिम की, और जिम में एक चीज़ बहुत और भी कॉमन है अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन, दैट इज़ वेट लिफ्टिंग। तो जो प्रोटीन एक्सेस कंज्यूम करते हैं वो साथ साथ वेट लिफ्टिंग भी करते हैं, एंड वेट लिफ्टिंग के बाद वो आते हैं बैक एक्स को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके बारे में भी मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को कुछ राय दीजिए। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि वेट लिफ्टिंग के बाद में लो बैक एक होना बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई। बेसिकली हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी बॉडी कितना वेट उठा सकती, कितना कर सकती, हम सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देते हैं, सामने वाले कंप्यूटर पे, केवल कि वो उसने ज्यादा उठाया मैं कम कैसे कर सकता हूँ, कुछ वही भी होता है वो बेसिकली इन्वायरमेंट्स बन जाता है। सो दैट्स मीन, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है डिस्क प्रॉब्लम्स। जब हम वेट लिफ्ट करते हैं हमें बैक सपोर्ट नहीं होता और हमें डिस्क प्रॉब्लम बहुत कॉमन सी हो गई। डिस्क प्रॉब्लम में खास तौर से हमारे L4, L5, L5S band, ये एक कॉमन एरिया होते हैं जहाँ पे हमारे डिस्क को सबसे ज़्यादा इंजर्ड होती है, और एक बार इंजर्ड होने के बाद में ये हमें लाइफ टाइम परेशान करती रहती है। अगर हमने प्रॉपर ढंग से इसको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया, प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं, वो हमें बहुत ध्यान रखना होता है। तो हमें व्यूअर्स को यही है कि हमें जब भी कुछ वेट लिफ्टिंग करनी, कुछ करनी है, तो ये प्रॉपर ढंग से होना चाहिए और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस से होना चाहिए और बैक सपोर्ट के साथ होना चाहिए। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप एक्सपर्ट्स के पास जाके प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराइए। खासतौर से इसमें एक्सरेज MRI बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाइज कि हमें पता लगता है कि हमारी बोन्स का क्या स्ट्रक्चर्स, क्या प्रॉब्लम कहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल क्या प्रॉब्लम्स हैं और हमारी क्या डिस्क की प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें MRI से क्लियर होती है। ओके ओके, तो मैं यहाँ अपने व्यूअर्स को ये खास तौर पर बताना चाहूँगी कि ओवरडू ना करें स्पेशली जिम्स जाकर, और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो पेन किलर्स के पास जाने से पहले डॉक्टर्स के पास जाएं। टेक द राइट एडवाइस एंड ट्रीट योरसेल्फ। जाने से पहले मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसे टिप्स दीजिए, कुछ उनको ऐसी गाइडलाइंस दीजिए जो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। तो पहले डॉक्टर गुप्ता आप बताएं। हमें सबसे पहले अपना पोस्चर का ध्यान रखना है। पोस्चर के लिए हमें आजकल इतने अच्छे अच्छे गैजेट मार्केट में आ गए हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन स्टैंड्स आ गए हैं, स्क्रीन्स आ गई हैं, जिन्हें हम सामने रख के अपने पोस्चर को ठीक करके हम उनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब आगे चल के इन सब का यूज होना है। बिल्कुल 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 होना है, और हमें उसके साथ रहना है। तो हमें अपने पोस्चर को भी ध्यान रखना है और इनका यूज करना है, दैट्स मीन्स कि हमें आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। डॉक्टर छाया, आप भी कुछ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, समथिंग दैट कैन हेल्प देम। इस प्लेटफॉर्म पे व्यूअर्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी तरीके का लंप या कोई भी चीज़ अगर वो देखते हैं तो दे शुड नॉट इग्नोर इट, दे शुड कंसल्ट देयर डॉक्टर, एंड दे शुड अंडरगो स्मॉल प्रोसीजर ऑफ FNAC।
या फिर दे शुड ऑल्सो गो फॉर अदर स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि अवेलेबल हैं डिफरेंट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के तहत. तो इन सब चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए. थैंक यू डॉक्टर गुप्ता. थैंक यू डॉक्टर छाया. इट वॉज वंडरफुल टू हैव यू हियर. और जाने से पहले मैं भी कुछ कहना चाहूँगी अपने व्यूअर्स से. जो आज के हमारे एपिसोड का थीम रहा, डोंट इग्नोर योर बॉडी. हमारी बॉडी हमें सबसे पहले सिम्टम्स देती है. वो खुद ही बताती है कब भूख लगी, कब वॉशरूम जाना है, इसी तरीके से कब कहाँ प्रॉब्लम है. हम सिर्फ इग्नोर करते हैं. अगर हम अवेयर रहें और उसका ध्यान दें, हमारी बॉडी अपनी बॉडी की भी बात सुने, तो हम बहुत सी प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं. जुड़े रहिए दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे. थैंक यू. अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां. अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से. ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747. काश कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम हो जहां आपके हुनर के बारे में चर्चा हो. काश कोई ऐसा चैनल हो जो आपको कहे कि प्लीज हमारा शो होस्ट कर दो ना. अब इस काश की दुनिया से निकलिए और हमारे साथ उड़ान भरिए आकाश की, क्योंकि कैपिटल वन टीवी आपके सपनों को लेकर आया है आपके सामने. फोन उठाएं और डायल करें. बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना. न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा. पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से. ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747.